ड्रैगन बॉल जी एक ऐसी सीरीज है जो सबको पसंद है। इसको खास इसके एक्शन सीन्स और ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है। सुपर सैयन 2 जो एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है जो सुपर सैयन से भी ज्यादा ताकतवर है। एक वक्त पर सब इस फॉर्म को अचीव करना चाहते थे, गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स, इनकी लाखों कोशिश के बाद भी यह अचीव नहीं कर पाए सुपर सैयन 2 को। एंड्रॉयड सागा के स्टार्ट में हमें जब ट्रंक्स से एंड्रॉयड के बारे में पता चलता है तो गोकू और वेजिटा इस फॉर्म को अचीव करना चाहते थे, लेकिन गोहान ने कर दिखाया। सुपर सैयन 2 सुपर सैयन से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब ये बेस का 100 मल्टीप्लायर है जो सुपर सैयन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आज मैं आपको सुपर सैयन 2 के फैक्ट्स बताऊंगा, क्यों ये सुपर सैयन से ज़्यादा ताकतवर है, इसको किन तरीकों से अचीव किया जा सकता है, ये फॉर्म कौन कौन से कैरेक्टर्स ने अचीव कर लिया है, अल्टीमेट गोहान और सुपर सैयन 2 में क्या कनेक्शंस हैं, क्या सेल भी सुपर सैयन 2 जा सकता था और बहुत कुछ। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स गो। फैक्ट नंबर 1, सुपर सैयन 2 को अचीव करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका इमोशन के जरिए है। अगर कोई सैयन एक्सट्रीम रेज फील करता है तो वो सुपर सैयन 2 को अचीव कर सकता है। दूसरा तरीका इंटेंस ट्रेनिंग है। अगर कोई सैयन एक्सट्रीम ट्रेनिंग करता है तो वो भी सुपर सैयन 2 को अचीव कर सकता है। तीसरा तरीका, अगर किसी सैयन को सुपर सैयन 2 को एक्सट्रीम नीड है तो वो सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चौथा तरीका टिंगली बैक फीलिंग, जिससे कॉलीफ्लावर ने सुपर सैयन 2 को अचीव किया था। फैक्ट नंबर 2, गोहान सबसे पहला कैरेक्टर है जिसने इस फॉर्म को अचीव किया था। सुपर सैयन 2 को गोकू, वेजिटा, गोहान, फ्यूचर ट्रंक्स, कॉलीफ्लावर और काबा ने अचीव किया है। फैक्ट नंबर 3, एनीमे में हमें गोकू बताते हुए दिखता है कि उसने गोहान को सुपर सैयन 2 में पहले भी देखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक फिलर एपिसोड है और मांगा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 4, सुपर सैयन और सुपर सैयन 2 में बहुत कम डिफरेंस है। जैसे सुपर सैयन 2 में ऑरा की डेंसिटी की वजह से ब्लू इलेक्ट्रिसिटी विजिबल होती है, हेयर और भी स्पाइकी हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, सेल की सुपर परफेक्ट फॉर्म एक तरीके से सुपर सैयन 2 है। ये हमें पता चलता है क्योंकि सेल के ऑरा में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी विजिबल है। फैक्ट नंबर 6, सुपर सैयन 2 इंटेंस ट्रेनिंग के जरिए भी अचीव किया जा सकता है। इस फॉर्म को सुपर सैयन 3 के लेवल पर ले जा सकते हैं ट्रेनिंग के जरिए, पर सुपर सैयन गॉड लेवल तक नहीं। फैक्ट नंबर 7, सुपर सैयन 2 का एक वर्जन जिसको हम सुपर सैयन रेज के नाम से जानते हैं वो वेजिटा और ट्रंक्स ने अचीव किया है। इस फॉर्म में वेजिटा ने सुपर सैयन 3 गोकू को सरपास कर दिया था। फैक्ट नंबर 8, सुपर सैयन 2 हमें मूवी बोजैक अनबाउंड में दिखा था और ये पहली बार हमें ड्रैगन बॉल जी की मूवी में दिखता है। उसके बाद से ये फॉर्म फ्यूजन रिबॉर्न और ब्रॉली जैसी मूवी में हमें दिख चुका है। फैक्ट नंबर 6, फ्यूचर ट्रंक्स और गोकू की मांगा में एक्सक्लूसिव फाइट होती है। मांगा में गोकू ट्रंक्स से लड़ते वक्त रियलाइज करता है कि वो सेल सगा के सुपर सैयन 2 गोहान से ज़्यादा ताकतवर है। फैक्ट नंबर 10, ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकिरा टोरियामा ये भूल गए थे कि सुपर सैयन 2 भी है। वो सुपर सैयन 3 को सुपर सैयन 2 समझ लिया था। फैक्ट नंबर 11, काबा ने इस फॉर्म को टूर्नामेंट ऑफ पावर में अचीव किया था, जबकि कॉलीफ्लावर ने इस फॉर्म को टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले अचीव किया था टिंगली फीलिंग के जरिए। फैक्ट नंबर 12, गोहान की अल्टीमेट फॉर्म सुपर सैयन 2 का एक स्टेज है। ड्रैगन बॉल जी में हमने गोहान को अपनी अल्टीमेट फॉर्म अचीव करते हुए देखा, जो एल्डर काई के जरिए अचीव की गई थी। डाइजेंशु गाइड बुक में लिखा था अल्टीमेट फॉर्म सुपर सैयन 2 का ही एक ब्रांच है जो इनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सो गाइस, ये थे सुपर सैयन 2 के फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।